ओके जी, वेलकम बैक। विदाउट फर्दर ड्यू जो है हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो अब आप लोग जो है वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें एंड मेक श्योर कि क्वेश्चन जो है वो आज के टॉपिक से ही रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर पिछले टॉपिक से रिलेटेड हो। बहुत ज्यादा आगे के क्वेश्चंस नहीं करने जो बाकियों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, जो अभी के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, गो अहेड। ऑल्सो मैम, आई इंस्टॉल वीपीएन। मोस्ट जो एक्सेस नहीं दे रहे होते ना, उन वो ओपन हो जाती है वीपीएन लगाने के बाद। मैम, जब हम एफपी पर प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके लिए कितना चार्ज कर सकते हैं? $50 से स्टार्ट लें, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट ब्रांड के तो आप $100 तक जा सकते हैं। आपने एचपी ने जो क्वेश्चन पूछा है, आपने मेन कैटेगरी का बीएसआर देखना है, ठीक है। मैम, अपना असाइनमेंट चेक कर ली है। देर आर सो मेनी असाइनमेंट्स, वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो चेक हुए हैं। मैम, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट कंपनी डॉक्यूमेंट एंड हाउ मच दे विल कॉस्ट? ऑल्सो टैक्स फाइलिंग इज नेसेसरी इफ वी हैव कंपनी डॉक्यूमेंट्स। जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे दे आर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको कोई चार्जेस नहीं देने। अगर आप ओरिजिनल काम का पूछ रही हैं तो वो तो एलएलसी बनवानी होती है, उसके ऑब्वियसली चार्जेस होते हैं। और जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेंगे। नो, जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स हैं और जिस पर सिर्फ अमेजोन है, आपने उनको सिलेक्ट नहीं करना। राबिया क्या पूछ रही है? मैम, असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, 10 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट हुई हैं, थोड़ा टाइम दे दें। इट्स ओके, बट आप जितना जल्दी करेंगे आपके लिए अच्छा, ताकि आप अगले लेक्चर्स के ऊपर फोकस कर सकें। हाउ कैन वी कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर? जब आप कर लेंगी, लाइक फाइंड आउट कर लेंगी, उसके बाद आप कॉल करेंगी एंड थ्रू मेल आप उनसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमें जो है वो डॉलर में करनी होगी, ऑब्वियसली डॉलर्स में ही होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और मिनिमम $3,000 एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अच्छा स्टार्ट लेने के लिए। मैम, जो हमने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट किए उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, हाँ जी, आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं और उसको भी सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं ब्रांड से कॉन्टेक्ट करें, उससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मालूम कर सकते हैं, वरना टाइटल को गूगल पे पेस्ट करें तो भी आपको मिल जाएगा। वीपीएन का थोड़ा एक्सप्लेन कर दो मैम, वीपीएन का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। वीपीएन एक एक्सटेंशन है जेन मैट की, ठीक है, उसको किया जाता है जब अगर कोई आपके पास नहीं प्रोडक्ट खुल रही तो आप लोकेशन जो है वो यूएसए की करके और फिर उसके बाद उसको ओपन कर सकते हैं, बस यही चीज है। मैम, जो मैनुअली हंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारी, उनके ब्रांड नेम शो हो रहे होते हैं, क्या उनसे भी सोर्सिंग कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, आपके पास भी अच्छे प्रोडक्ट है, आपने उसके ब्रांड को कॉन्टेक्ट करना है। ये चीज मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि आपने करना है, ठीक है। फरत कह रही है कि जब हम वेबसाइट पे जाते हैं वहां पे भी कॉन्टेक्ट का ऑप्शन होता है, हाँ जी, कुछ जगहों पे जो है वो लाइव चैट का ऑप्शन होता है, तो आप जो है वो लाइव चैट कर सकते हैं। आप मेरे क्वेश्चंस जो है वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। गजाला, आप सबमिट कर सकती हैं। फ्रॉम वेयर वी गेट डिस्ट्रीब्यूटर? अभी तो आपको 3 4 तरीके बताए हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करने के। अगर आपने नहीं अटेंड किया तो लेक्चर आप दोबारा सुन लीजिएगा। मैम, जब प्रोडक्ट हमने फाइंड किया उनके डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली। सादिया कहती है वीपीएन, देखिए वीपीएन एक एक्सटेंशन होती है, मैंने आप लोगों के साथ शायद वीडियो शेयर की होगी कि हाउ टू ऐड एक्सटेंशन टू क्रोम, ठीक है। जेन मैट, ZENMAT, जेन मैट जो है वो एक एक्सटेंशन है, ठीक है, उसको आप जो है वो कर लें। तो उससे ये होता है कि समटाइम्स कोई वेबसाइट अगर नहीं खुल रही है तो आप वहाँ पे क्या करोगे कि यूएसए की सिलेक्शन करेंगे लोकेशन, ठीक है, तो आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी। दूसरी बात ये, जब आप सोर्सिंग कर रही होती है किसी प्रोडक्ट का टाइटल पेस्ट करती है तो भी आप अगर यूएसए की लोकेशन डालेंगी तो उससे ये होता है कि जहाँ जहाँ यूएसए में प्रोडक्ट मौजूद होगी वो वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। कॉल जरूरी है, मेल नहीं कर सकते? मेल कॉल दोनों चीजें आपने साथ में करनी है, सिर्फ मेल्स पे गुजारा नहीं हो सकता बेसिकली। मैम, एमओक्यू कॉल करने पे पता चलेगा? हाँ जी, जिनका वेबसाइट पे नहीं होता उनका कॉल करने पे पता लग जाता है।
काइंडली मैम आज के वीडियो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हर वीडियो ग्रुप में शेयर हो जाती है, टाइमली एडमिन शेयर कर देंगी। मैम अमेजोन हर एक प्रोडक्ट को अप्रूव नहीं करता, उसका क्या है? उसके लिए ऑब्वियसली जो आपकी गेटेड प्रोडक्ट है उसका आपने इनवॉइस सबमिट करवानी होती है। आपका ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जिसके इनवॉइस एक्सेप्ट हो सकते हैं तो आप इसको करेंगे। नंबर यूएसए का जो हम लेंगे वो कैसे यूज होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे नेटवर्क में? इसका जो यूजेज है वो आपको जो देने वाले होंगे, नंबर प्रोवाइड करने वाले, वो कम्प्लीटली गाइड करते हैं, और कोई भी इशू हो तो दे विल यू नो कोऑपरेट विद यू। वो आपको बता देंगे कि बेसिकली आपने किस तरीके से यूज करना है उसको। मैम किसी प्रोडक्ट में ऑफर में तो सब सेल हो शो हो रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में नंबर ऑफ सेलर्स और टोटल नंबर ऑफ सेलर्स जो लिस्टिंग में होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अमेजोन के पेज पे सारे सेलर्स जो हो रहे होते हैं, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में से वो सेलर्स जो हो रहे होते हैं जिनको कभी ना कभी बाय बॉक्स मिला होता है, इसलिए ठीक है, इसलिए डिफरेंस होता है। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी जो मिलेगी। लाइव चैट कॉल से बेहतर होती है। सॉरी क्वेश्चन आपका ऊपर चला गया। मैम डज होलसेल हैव अनगेटेड कैटेगरीज? देखिए कोई भी कैटेगरी कम्प्लीटली गेटेड और कम्प्लीटली अनगेटेड नहीं होती है। उसके अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, कुछ गेटेड होंगी कुछ अनगेटेड होंगी, पूरी कैटेगरी को आप नहीं कह सकते, ठीक है। कैन यू प्रोवाइड कंपनी डिटेल्स? हाँ जी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर के बाद। नॉट टू एवरी वन दोज हु आर अटेंटिव एंड दो Those who will purchase the number and they want to call the distributors, तो उनको बाय बॉक्स लेने के लिए क्या कोई टेक्निक होती है? हाँ जी बाय बॉक्स विनिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, विच आई विल टेल यू इन दी अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल, ठीक है। हाउ विल बी नो कि प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है? ये अकाउंट टू अकाउंट वेरी करती है और अकाउंट के ऊपर लगा के जो है वो पता लगता है। मैम हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं आफ्टर दिस इंटर्नशिप? ओके सो दिस इज अ गुड गुड क्वेश्चन। बेसिकली ये जो है ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि सॉरी हाँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका नॉलेज एरिया जो है वो कितना है। अभी हो सकता है आप कहीं से कोर्स करके आई नहीं होंगी, ठीक है, और अभी आप इंटर्नशिप का पार्ट है तो आपकी ऑलरेडी चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ से जो भी आपका हैंड्स ऑन रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद डेफिनेटली आप जो है वो हैंडल कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जब भी हमने कोई अकाउंट हैंडल करना होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ऑब्वियसली दीज आर द पार्ट ऑफ कोर्सेज, नॉट द पार्ट ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है, जिसमें बहुत सी चीजें होती हैं। लाइक 3PL को हमने किस तरीके से कॉन्टेक्ट करना होता है, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इशू आ जाता है अकाउंट के ऊपर तो आपने उसकी अपील किस तरीके से लिखनी होती है, बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपील्स, ठीक है। आपने किस किस जो भी आपका इशू आएगा आपके अकाउंट के ऊपर उसके हवाले से आपने कौन सी अपील लिखनी होती है, किस तरह की प्रोडक्ट लगानी चाहिए, ये चीज तो आपको वैसे भी अभी जो है वो सिखा दी जाएगी। तो ये सारी चीजें, इनकी प्रॉपर नॉलेज होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ये है तो आप डेफिनेटली कर सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल करने के लिए कोई स्पेसिफिक वे है? हाँ जी है, वो आपके साथ जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी तो फिर पूरा बता दूंगी कि क्या टेम्पलेट होना चाहिए। मैम कीपा परचेज करना मस्ट होता है? ये प्रोडक्ट एनालिसिस में मस्ट होता है। कैसे परचेज करेंगे नंबर और कितने अमाउंट में करेंगे? 1000 रुपीज में मिल जाता है फॉर होल मंथ, ठीक है, और जहां से करना है मैं आपके साथ जो है वो नंबर शेयर कर दूंगी, लेकिन जब आपने करना होगा अभी तो आप लोगों ने शीट बनानी है। प्लीज टेल कहाँ टीचर रिप्लाई मिल जाएंगे जब कुछ पूछो नो बड़ी रिप्लाई? ये आप किसको बोल रही हैं कि कहाँ पे पूछनी है और आपको रिप्लाई नहीं मिलता? डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रही हैं किसी और बारे में? मैम ऑथोराइज डीलर्स के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? आपने सिर्फ उनसे पूछना होता है, डॉक्यूमेंट वो कभी भी शेयर नहीं करते, क्योंकि डॉक्यूमेंट इज समथिंग लाइक अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, प्राइवेसी होती है। वो कभी आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे नहीं कि ये हमें जो है वो ब्रांड ने दिया हुआ है। एचपी का जो क्वेश्चन है कि कैन वी चूज दैट प्रोडक्ट इन विच ब्रांड इटसेल्फ इज नॉट सेलिंग बट अदर सेलर्स आर सेलिंग इट प्राइस समटाइम्स मोर? यस
लाइव चैट कॉल से बेहतर होती है, ये कॉल ही बेस्ट ऑप्शन है। लाइव चैट पहली बात तो ये है कि सब देते नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बेटर ऑप्शन वाली चीज नहीं है, दोनों की इम्पोर्टेंस है। अगर लाइव चैट पे आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो गुड है, वरना आपको कॉल ही करनी होगी। लाइव चैट सारी वेबसाइट्स पे नहीं होती, बहुत कम वेबसाइट्स देती हैं। होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज का क्या क्राइटेरिया चेंज है? नहीं, क्राइटेरिया सेम है। मैम हम अपनी चूजन प्रोडक्ट के जरिए कैसे फाइंड करेंगे? आपने जो है वो उसका टाइटल गूगल के ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आप वहां से अपने सेलर्स को जो है वो फाइंड कर, सॉरी, जहां जहां वो प्रोडक्ट अवेलेबल है आपको वहां से पता लग जाएगा। वो क्वेश्चंस जो है ना ऊपर चले जाते हैं। अभी हमें सिर्फ ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की डेटा शीट कलेक्ट करनी है। हाँ जी, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा शीट बनानी है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने फर्दर उसके साथ कॉल्स वगैरह करनी होगी। आयशा का क्वेश्चन है, मैं रीड करी थी, ऊपर चला गया। जब हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं उस वक्त अमेजोन FBA FBM सब होते हैं, बट जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं सिर्फ अमेजोन ही फ्रंट पर आता है, उस वक्त बाय बॉक्स अमेजोन के पास होता है। अगर आप ऊपर बाय बॉक्स वाले सेक्शन की बात करिए कि वो टॉप पे होता है, तो हाँ इसका मतलब होता है कि उस टाइम पे अमेजोन के पास होता है। हाउ टू मेक डेटा शीट, अभी आपको बताया गया कि डेटा शीट कैसे बनानी है, आप दोबारा से लेक्चर सुनेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है, आप किस तरीके से आपने उसमें सारा डाटा जो है वो पुट करना होगा। मिनिमम कितने मिनिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रही हैं, तो वो आपने बनाने होंगे तकरीबन 50, तो आप फाइंड करें, ठीक है। आयशा अक्रम कह रही है आप प्लीज अमेजोन से ब्रांड नेम लेके स्क्रीन पे दिखा दें कैसे सोर्सिंग करते हैं, ब्रांड नहीं आता है। इस गूगल शीट शेयर्ड इन ग्रुप, गूगल शीट ही शेयर होगी, इसका टेम्पलेट है, सैम्पल है उसकी, मैं स्क्रीनशॉट जो है वो आपको लेके दे दूँ, भिजवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो आयशा का क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड बापरा, आई डोंट नो कि आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं समझ नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, वो जो कह रही है कि आप जो है वो सोर्स करके दिखाएं, मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था, जस्ट लाइक यू हैव फाउंड ए प्रोडक्ट, आपने उसको लग, और ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो हर एक प्रोडक्ट की सोर्स मिल जाएगी, हर एक प्रोडक्ट की सोर्स नहीं मिलती है। आई थिंक सो, मैंने सेलर साइटिंग की वीडियो शेयर की थी, दैट वीडियो वॉज ए डिटेल्ड वन, जिसके अंदर हमने टाइटल पेस्ट किया था और उसकी सोर्स जो है वो पता लग रही थी कहाँ कहाँ पे। फिर ऑब्वियसली आपके पास अगर प्रॉफिट बचता है तो ही आप उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं अभी देखती हूँ अगर मैं दिखा सकूँ आपको। जी हाँ, ये ऐसे असाइनमेंट आपने सबमिट करनी है, ठीक है, आपको हेल्प करेगी जब आपने कॉल्स वगैरह करनी होगी। बाबरा का क्या क्वेश्चन था, फिर से चला गया। कैन यू प्रोवाइड, किधर गया, कैन यू प्रोवाइड कंपनी डिटेल्स दैट वी कैन, ऑब्वियसली ये तो मैंने आपको पहले भी जवाब दिया था कि यस मिलेंगी। चले, मैं जरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, स्क्रीन शेयर करने के बाद जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट फिर खुल गई है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है वो सोर्स कैसे फाइंड करनी है, अगर आपका क्वेश्चन यही था तो, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। ये है, ये हमने किया और टाइटल को कॉपी, ब्राउजर की लोकेशन मेरी जो है वो ऑलरेडी चेंज हुई हुई है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लाके क्या करूंगी, पेस्ट कर दूंगी और देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, फिर ऑब्वियसली हम उसकी प्राइस को मैच करेंगे, ठीक है।
ये एक अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, ये अमेजोन पे शो कर रहा है जो कि अभी हमने देखा, ठीक है, ये यहाँ एक इस वेबसाइट के ऊपर है, वॉलमार्ट पे 13.66 की अवेलेबल है, ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट नहीं बचेगा। इसी तरीके से हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी, लेकिन ये यहाँ की वेबसाइट नहीं है, इसमें यूरो में प्राइस आ रही है, ठीक है। और आप नीचे जाएंगे तो ये देर आर डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है, जिनके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट मौजूद है। लेट्स से कि अगर मैं आपको दिखा देती हूँ कि वॉलमार्ट पे, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब ये आप देख लें कि ये ब्लू शेड में है, जबकि हमने जो वेरिएशन सेलेक्ट किए वो कौन से शेड की थी, वो ग्रीन शेड की थी, ठीक है। तो ग्रीन कलर में अवेलेबल होना जरूरी है। इसकी प्राइस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग दी हुई है, यहाँ पे भी अगर हम देख लें तो ग्रीन कलर में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें सोर्स मिल गई है। सोर्स एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए जैसे अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, ठीक है। बट दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द सोर्सेज, पर ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट आपको वो टाइटल की प्रोडक्ट जहां जहां पे भी मौजूद है आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये जरूरी नहीं, ये गारंटी नहीं है कि उसके ऊपर आपके पास प्रॉफिट भी बच रहा होगा। और जहां पे मैं आपको वीपीएन के बारे में बता रही थी, ये देखें, ये मैंने जेनमैट की एक्सटेंशन की हुई है, इस टाइम पे बंद है, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा कि ये ओपन हो गया, ठीक है। मेरी लोकेशन क्या हो गई है, यूएसए की मैंने लोकेशन अपनी सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। दोबारा से मैं इसको टैप करूंगी तो क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया जो आप देखना चाह रही थी। आपने प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर रोजीना फाइंड नहीं करना है, आप कह रही हैं हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसका फाइंड आउट कर लें, अदरवाइज जो मेथड्स बताएं आप रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करिए, तो आपके पास जितनी शीट बनती जाएगी उतना कम है, ठीक है। जितनी ज्यादा शीट हो, क्योंकि फिर इतनी ज्यादा शीट में से जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स में मिलते हैं। अच्छा, आप लोग अपनी सेटिंग्स देख लें, मुझे कुछ मैसेजेस जो है ना वो डायरेक्ट में आ रहे होते हैं, तो सबके पब्लिक होंगे तो ये है कि इनको भी फिर दिखेगा। राहिला पूछ रही है, एक सेकेंड, बक्तावा का क्या जनमैट किस लिए यूज होगा? मैम, लोकेशन चेंज करने के लिए, ठीक है। सोर्स फाइंड करते हुए आपको यूएसए की लोकेशन डालनी पड़ती है। तो राहिला इज आस्किंग के आपका जो है वो नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा, कौन सा वाला नेक्स्ट बैच आप ज्वाइन करना चाहती हैं, इंटर्नशिप का और कोर्स का? इंटर्नशिप का बैच जो है 4 वो स्टार्ट होगा कुछ अरसे में, और जो कोर्स का न्यू बैच है यानी कि बैच नंबर 2 है, इट इज गोइंग टू बी लाइक अनाउंस्ड वेरी सोन इंशाल्लाह ताला, लाइक 1 वीक में मोस्ट प्रोबेबली उसकी जल्दी अनाउंसमेंट जो है वो कोर्स की हो जाएगी। तो इसके बारे में अगर दोनों चीजों की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ ग्रुप में भी शेयर हो जाती हैं, और इसके अलावा जो है वो फेसबुक के ग्रुप पे एक्टिव रहेंगी तो वहां पे भी रजिस्ट्रेशन के बारे में पता लग जाता है कि कब से कब तक है। यूजुअली 1 ही हफ्ते का टाइम होता है, क्योंकि हम जल्दी क्लास स्टार्ट कर देते हैं, बहुत कम स्टूडेंट सेलेक्टिवली सिलेक्ट करने होते हैं, इसलिए फीस ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको वहां पे बता दी जाएगी। मैम, व्हाट्स द कोर्स फी? कोर्स फी इज 8,000 रुपीज, ठीक है, फॉर 2 मंथ, जिसके अंदर जो है वो फ्री यूएसए का फोन नंबर भी है, आई थिंक सो। कोर्स कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा, तो आप वहां पे जो है वो देख सकते हैं जब अनाउंसमेंट होगी, ठीक है। 2 मंथ्स का होगा, बैच 1 का जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, फिर बैच 2 जो है वो स्टार्ट होगा इनशाला। बिकॉज कोर्स इज गोइंग टू बी अ वेरी इन डेप्थ वन, उसके अंदर हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा नहीं जो कि जरूरी होती हैं किसी भी कोर्स करवाने वाले को करवानी चाहिए, हमने वो उसके अंदर जो है वो शामिल की हुई है, एंड अब तक जो है वो बैच 1 इज डूइंग ग्रेट, ठीक है। कंटेंट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो उसके अंदर यही है कि आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्ड करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रेजेंस पहले दिन से ही किस तरीके से बनानी है, कि जिस दिन आपका कोर्स एंड होगा तो आपको जो है वो पता होगा कि भाई अब मुझे, ये होता है ना कोर्स खत्म होने के बाद आपको होश आता है कि आप मुझे मार्केट में काम करना है, मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ, किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं है, फिर आप अपनी इस चीज के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, तो वो हमने डे 1 से ही हर चीज के साथ स्टार्ट कर देना है। देन जो है वो बाकी चीजें होंगी कि उसके अंदर क्या क्या होता है, पॉलिसी वायलेशंस एंड ईच एंड एवरीथिंग एंड 3PL, ये सब कुछ। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो बस लेनी है, और उसके अलावा तो कोई ऐसा सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। खदीजा कहती है, मैम आपका कोर्स ऑनलाइन है या फिजिकल है? ऑनलाइन होगा। मैम, सोर्स प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है ये कैसे देखेंगे? ये आप प्राइस से आइडिया लगाएंगी ना, आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो, और कॉस्ट के थ्रू आप जो है वो प्रॉफिट निकालेंगी, फिर आपको पता लग जाएगा कि सोर्स जो है वो आपकी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है।
नहीं, जो जेनेरिक होती है ना, जेनेरिक का जेनेरिक लिखा हुआ होता है, अदरवाइज जो वहां पे स्टोर का नाम लिखा हुआ है ब्रांड का, वो होगा उसका असली। मैम पोर्टफोलियो प्लीज एक्सप्लेन कर दें। पोर्टफोलियो बेसिकली आपने बनाना होता है जो आपने किसी भी क्लाइंट को प्रेजेंट करना होता है अपने बारे में, ठीक है, कि आप क्या हैं, आपने क्या क्या किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। एंड यही एक मेन चीज होती है, आपको नॉलेज आती होती है लेकिन आपके पास प्रेजेंट करने को कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से हम लैग कर जाते हैं। मैम जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइनल कर लेते हैं तो पैसे एट द मोमेंट पे करते हैं? नहीं, आप कर सकते हैं आराम से, लेकिन जब आप कर देंगे तभी आपका ऑर्डर फाइनल होगा। जो आप वेबसाइट से कर रहे थे, कहीं से भी करें, जब आप करेंगे तो फिर ही उसके बाद फाइनल होता है। विल यू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, विच प्रोडक्ट चाहिए था मरीन? मैम क्लाइंट मतलब डायरेक्ट कस्टमर या रिटेलर? सॉरी बख्तावर, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। कैन वी लर्न हाउ टू मेक पोर्टफोलियो इन दिस कोर्स? मदीहा आतिफ पूछ रहे हैं। ये तो आपको पहले दिन से ही बताना शुरू कर दिया जाएगा, पहले दिन से, कि जिस दिन आपका कोर्स खत्म हो तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो रेडी हुआ हुआ हो। ये चीज साथ साथ चलेगी, मेन कोर्सेस मेन लेक्चर्स के साथ साथ चलेगी। देर इज गोइंग टू बी मच मोर, बाकी आपके साथ जो है वो शेयर हो जाएगा, तो आपको और भी अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या है। सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना दोनों सेम है? हाँ जी। रेहाना हाशमी का पोर्टफोलियो वेयर टू, आगे आपने क्या लिखा समझ नहीं आया, शायद टाइपिंग एरर है। आप लोगों के क्वेश्चन इतने जल्दी आते हैं। सईदा मरियम काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। Established. Portfolio where to established? अभी भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। मैम जैसे गोल्ड ब्रांड शो हो रहा है अमेजोन पे, जस्ट उस ब्रांड नेम को गूगल करने से वेबसाइट उस ब्रांड की मिल जाएगी? ऑब्वियसली मिल जाएगी, मैंने जब टाइटल लगाया तो सबसे पहली वेबसाइट आई थी वो ब्रांड की तो थी। सईदा मरियम कह रही है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखें, अब आपका सिर्फ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, मुझे आपका क्या पता कि आप पिछला क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे। ऑन फाइवर और अपवर्क, हाँ जी, ये बताया जाएगा आपको कि आपने किस तरीके से पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। फाइवर और अपवर्क से ज्यादा मैं तो फेसबुक को ही प्रायोरिटी दूंगी, बिकॉज वो दोनों प्लेटफॉर्म अब बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो चुके हैं। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट शीट विल यू प्रोवाइड? नहीं, मैं क्यों आपको प्रोडक्ट शीट प्रोवाइड करूंगी? प्रोडक्ट्स तो आपने खुद से फाइंड करनी होती है। मैम सेलर के स्टोर पे लेफ्ट साइड पे ब्रांड शो होते हैं, बट अब क्यों नहीं हो रहे? नहीं, मैंने अभी कल लेक्चर दिया, हो रहे थे, क्यों नहीं हो रहे? अगर आपको इश्यू फेस हो रहा है, वहाँ नीचे इंटरनेशनल शिपिंग का होगा एक ऑप्शन, आप उसको टिक मार्क करें, आपके पास कुछ ब्रांड्स तो आ ही जाएंगे उस स्टोर पे जो लिस्ट हुए हैं। मैम अभी तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं, देन हाउ विल वर्क? ऑब्वियसली आपने क्लाइंट के लिए काम करना है। काइंडली क्लास थोड़ी सी जल्दी शुरू कर लिया करें, अगर आपके लिए, बाकी सबके लिए फिजिबल है जल्दी। एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा वो जो है ना टाइम मेरा ऐसा होता है कि उस टाइम पे मेरे लिए मैनेज नहीं हो पाता है। मैम क्लाइंट से मतलब हमारे साथ जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, जो हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे, वो किस चीज में आपको इन्वेस्ट करना है? आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आप उसके बारे में पूछना चाह रही हैं। यू हैव टू फाइंड होलसेल प्रोडक्ट्स योरसेल्फ। एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज क्लास जो कि आपको समझ में ना आया हो, सो दैट वी कैन कंक्लूड द मीटिंग? अफशा नईम कह रही है मैम कंफ्यूजन हो रही है अभी भी, किस बारे में? ये क्वेश्चन बड़ा सा आता है तूबा खातिर को, फिर ऊपर चला जाता है। ओए में जो है वो अमेजोन इश्यू करता है वॉलमार्ट डीबी से, ऑब्वियसली वो आपसे इनवॉइस मांगता है, अगर नहीं होगी तो आपको देनी पड़ेगी, इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। हाई अलर्ट यूजुअली वैसे ही भी आजकल हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ना एक्सटेंशन शो कर रही होती है, आप स्कैन अनलिमिटेड के एक्सटेंशन से देखा करें, वहां से सही रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रेहाना हाशमी कह रही प्लीज गाइड सो वी कैन वर्क ऑन दिस साइमल्टेनियसली।
अभी हर चीज तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना कवर करना, बट ये है कि अभी से आप लोग जो है वो थोड़ा अपने आप को सोशली जो है वो प्रेजेंस अपनी शो करना शुरू कर दें फेसबुक वगैरह के ऊपर, ठीक है? दिस विल गोना हेल्प यू। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रही यहाँ पे वर्ड क्लाइंट किसके लिए यूज हो रहा है। अच्छा बख्तावर का ही क्वेश्चन है, क्लाइंट जिनसे जिनके अकाउंट आपको मिलेंगे जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं और उनके अकाउंट के ऊपर आपने एफबीए होलसेल का बिजनेस करना होता है, हम उन्हें क्लाइंट बोल रहे हैं, या कोई भी बंदा जिसको अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग करने वाली है तो आप उसको क्लाइंट बोलिए, ठीक है? रेवेन्यू कैलकुलेटर को यूज करते हुए प्रोडक्ट की सोर्स प्रॉफिटेबल है या नहीं चेक करते मैम? यस वहीं से आपने चेक करना है। ओके फाइनली रेहाना को क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जो ब्रांड नेम से डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करना होता है उसे दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा आपने जाके लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर ब्रांड डव, ठीक है, या ब्रांड डव डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे। व्हाट्स द मिनिमम बजट फॉर डूइंग होलसेल? मिनिमम इज $3,000, ठीक है। $35 से $50 का अगर प्रोडक्ट परचेज करें तो ऑब्वियसली फिर ये चीज है कि आपका एमओक्यू एमओवी क्या है, अगर एमओक्यू बहुत कम है तो फिर आप कर सकते हैं। मैम योर लेक्चर एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन इज आउट क्लास, थैंक यू सो मच। मुझे लगा तो शायद आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कुछ पूछने वाले हैं। थैंक यू। आई जस्ट वॉन्ट के ऑल ऑफ यू दोज हु आर वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है, ऑल द लेडीज हु आर एक्चुअली अटेंडिंग दिस लेक्चर, आप लोग कुछ करें और कामयाब हों तो मेरी कोशिश होती है। मैं कोई फर्क नहीं करती किसी में भी, ठीक है, सब मेरे लिए बराबर हैं एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि जितनी नॉलेज मैं अपना शेयर कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उतना बता दूँ। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं बोल रही होती हूँ कि आपने जो है वो नहीं करना है इसके ऊपर फोकस या कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है उसके ऊपर टाइम वेस्ट होगा या आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है, जो काम की चीज होती है डायरेक्ट उस पे आते हैं। मैम स्कैन एडवाइजर भी यूज कर सकते हैं, सोर्स फेक है कि ट्रू? पता नहीं, मैंने इसके बारे में वैसे सुना है बट मैंने इस वेबसाइट को खुद नहीं जो है वो ट्राई नहीं किया कभी, लेकिन आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रेहाना इंसानो। वी हैव 7 मिनट्स लेफ्ट, तो चलें 7 मिनट्स हैं, आप लोग पूछ लें जो भी आप पूछना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरर एंड ब्रांड आर सेम, समटाइम्स सेम होते हैं समटाइम्स डिफरेंट होते हैं। अगर ब्रांड खुद प्रोडक्ट को बना रहे तो ब्रांड ही मैन्युफैक्चरर है, अदरवाइज जो किसी और से बनवा रहे तो कोई और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, ठीक है। बाय द वे मुझे यहाँ पे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो कोर्स करके आए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूबी हैं। आप क्वेश्चंस को छोड़ दें, आप ये बताएं मुझे अगर मुझे आइडिया हो, बिकॉज आई थॉट कि इंटर्नशिप है सो मोस्ट ऑफ यू हैव डन योर कोर्सेस। पहले बताएं जिस जिसने कोर्स नहीं किया हुआ होलसेल का, तो एटलीस्ट, और होलसेल का तो खैर कोई इस तरह का करवाते भी नहीं है। मैम कोर्स हो गया बट ईवीएस से किया था। हाँ, ईवीएस में आपने फिर कुछ बेसिक सीखी होंगी, बट मुझे लग रहा है आप सबने जितनों ने किया हुआ अपने पीएल पे किया हुआ होगा, ऐसा ही है, बिकॉज होलसेल का कोई भी नहीं करवाता एंड स्पेशली इस लेवल का प्रैक्टिकल नहीं करवाते। बिकॉज मुझे पता है कि जब हम कोर्सेज मैंने देखे हैं जो करवाए जा रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा भी पास्ट का एक्सपीरियंस है, तो लिटरली जस्टिफाइड नहीं है जो वो प्राइस लेते हैं और उसके अंदर करवाते हैं, नहीं वो बिल्कुल जायज नहीं है। कोर्स के अंदर आपको हर चीज करवानी चाहिए, एक बंदे को उसके पैरों पे खड़ा कर देना चाहिए, फिर आगे कुछ किस्मत की और नसीब की बात होती है, ठीक है। होलसेल का थोड़ा बहुत आई नो, जब मैंने किया था तो मुझे भी लास्ट के 2 डेज में जो है वो बता दिया था, लेकिन सब कुछ खुद से ही सीखा था। इसीलिए जब हम लोग भी डिजाइन कर रहे थे, अगर मैं आपको जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करूं तो वी वर लाइक वर्किंग वेरी हार्ड मी एंड सरफान, के कुछ इंटरेस्टिंग हो वो भी सारी चीजें जो है वो कोर्स में हो, बच्चे इंजॉय करते हुए, क्योंकि एक कोर्स डिस्कशन का हमने ग्रुप बनाया हुआ, एक मेन होता है जो ऑफिशियल होता है, तो उसमें काफी अच्छी एक बॉन्डिंग बन गई है। कल ही मैं उनसे पूछ रही थी कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस, आपका एक पूरा एक बैच बन गया फुल क्लासमेट्स, तो कैसा हो रहा है, तो वो बोल रहे थे कि मैम बहुत मजा आता है, इवन साथ में डिस्कस करते हुए असाइनमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी असाइनमेंट्स होती हैं जो कि जरूरी हैं लेकिन वो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बना के दी जाती हैं, तो दे लाइक एंजॉय दिस थिंग। तो मेरी ये ख्वाहिश रही है, और अभी मैं जाहिर बोल नहीं सकती, बट जितने भी इदारे करवाते हैं दे शुड वर्क ऑन देयर कोर्सेज, एटलीस्ट दे हेफ्टी अमाउंट दे आर चार्जिंग वो उस तरीके से वैसे डिलीवर नहीं कर रहे। इस चीज का अंदाजा मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप के दौरान होता है, जब बच्चे कोर्स करके आए हुए होते हैं और उन्हें एफबी एफबीएम का डिफरेंस ही नहीं पता होता।
इट्स वेरी रॉन्ग। अफशा नहीं कह रही है मैंने प्री किया है। अच्छा सबसे बेस्ट पार्ट वाज द टू एक्सटेंशंस यू टोल्ड अस टू डाउनलोड। अच्छा दे डिडंट टेल अस इन आर कोर्स। नहीं हाँ वही बात है ना कि दीज थिंग्स आर लाइक एक्सपेंसिव। भी हमने वैसे खुद से एक्सप्लोर की नहीं है सारी चीजें, बट मैं पहले दिन ही हम लोग जो है वो बता देते हैं। इवन इतने स्टूडेंट्स शरीफ होते हैं बेचारे मासूम से कि उन्हें खवातीन को नहीं पता लग रहा होता कि मैम हमने क्रोम किस तरीके से ऐड करनी है। सो आई मेड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। फिर ये नहीं पता होता असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाने इच एंड एवरीथिंग। सो वी शुड यू नो कॉपरेट करना चाहिए। रेहाना कह रही है मैम हमने अपना पोर्टफोलियो किस प्लेटफॉर्म पर बनाना है। देखिए पोर्टफोलियो इज लाइक कि आपका एक भले एक पीडीएफ हो फेसबुक पे आ रहा है आपका क्लाइंट, आप उसको प्रेजेंट करो मैं ये हूँ, ठीक है, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। मेन चीज आप अपना दिखा। अभी जिस तरीके से अभी ये कोर्स में ना हमने मतलब एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है अभी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, बट वो यही चीज है कि उसके अंदर पूरा सिखाया जाएगा कि बेसिकली फ्यूचर में आपने अगर एजेंसी भी बनानी है तो वो आपने किस तरीके से बनानी होगी। ठीक है ओके। लिंक्डइन एंड एफबी आप पोर्टफोलियो का सैंपल शो कर सकती हैं। यहाँ तो नहीं हो सकता है सॉरी। और मैं सैंपल कोर्स वालों के साथ भी शेयर नहीं करूंगी, वो खुद ही बनाएंगे, सिर्फ उनको गाइड करूंगी। उनके सैंपल शो कर दिया ना बस फिर काम खराब है, फिर पूरा 1,000 स्टूडेंट जो है ना वही सैंपल फॉलो करेगा, अपनी क्रिएटिविटी यूज नहीं करेगा। एंड लिटरली यू ऑल आर सो क्रिएटिव। मैंने जब असाइनमेंट्स देखी हैं तो इतनी क्रिएटिविटी छुपी हुई है, इतनी क्रिएटिविटी छुपी हुई है। एक वीडियो बनाने की असाइनमेंट थी, इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन, इतनी खूबसूरत वीडियोस फीमेल्स ने मेल्स ने बनाई है कि मैं खुद हैरान थी। एंड वो खुद अपने ऊपर भी हैरान थे कि मैम हम लोग ये भी कर सकते हैं। मैंने कहा दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस कि अपनी कंफर्ट जोन से आप लोग बाहर आएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पोर्टफोलियो हम फाइवर एंड अपवर्क पे बनता है। हाँ जी बनता है, बनाना बनाना चाहें तो आप लोग लाजमी बनाए अपनी सर्विसेज वहां पे देना चाहते हैं तो। We just have 2 minutes। मेरा क्या पूछना चाह रही है वीडियो मेकिंग इन अनदर ग्रुप असाइनमेंट। नहीं ये आप लोगों का नहीं है, ये मैं कोर्स वालों का बता रही थी, आप इसके लिए कंफ्यूज ना हो कि आपने बनाना है। ठीक है एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क बिकॉज वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट। How many females are there? There are 32. Okay. I hope so कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसके बाद आपने कॉल्स करनी है, कॉल्स का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है मैं आपको जो है वो बताऊंगी ईच एंड एवरी थिंग के कैसे बात करनी होती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है आप लोगों ने कभी की नहीं होगी और आप सब कर सकते हैं, ईच वन ऑफ यू आप कर सकते हैं। जो जो कहता था मैम हम नहीं कर सकते, उन्होंने करने के बाद बताया कि मैम वाकई ये तो एवं हवा क्रिएट किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आपको बिल्कुल ऐसी अंग्रेजी नहीं चाहिए जो मूवीज वगैरह में बोली जाती है। ठीक है बिल्कुल सिंपल सा होता है तो आप कर सकते हैं। मैम हाउ डू वी अनगेट अ प्रोडक्ट इन होलसेल, वो आपने करना होता है अनगेट थ्रू इनवॉइस सबमिटिंग बाय सबमिशन ऑफ इनवॉइस। ठीक है आपके पास इनवॉइस होती है आप उसको सबमिट करके फिर ये अनगेट करवा सकते हैं। मदीहा आते हैं थैंक्स मैम वेरी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर थैंक यू। वीपीएन इज सेफ और नॉट सेफ? ओके जी लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग इज अबाउट टू एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड असाइनमेंट अपना टाइम पे कर लीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच।